क्या मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की, परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं, अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था, कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी द्यूत क्रीड़ा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। मैं आपको वचन देता हूं सम्राट, ना केवल आपके लिए अपितु यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये खेल अविस्मरणीय रहेगा। आज सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। धन्यवाद अंगराज, आपने मेरे कर्मों का दंड मेरे परिवार को ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा, और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुझे आज्ञा दें। रुको अश्वसेन, इतनी शीघ्रता क्यों है जाने की? तुम साधारण सर्प नहीं हो जो अपनी भोजन की खोज में निकला और अचानक रुशाली सामने आ गई और तुमने उसे डस लिया, और तुम्हारा निवास स्थान तो भुगत ग्राम से बहुत दूर है। तो स्पष्ट करो अश्वसेन कि तुम यहां क्यों आए थे। कहीं तुम्हें शकुनी ने तो नहीं भेजा? आइए सम्राट, पधारिए, अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर
अनुग्रह कीजिए। गांधार राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृहविहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे ये संधि की कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूँ तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। लीजिए सम्राट, आपके मनोरंजन का प्रबंध हो गया है और आशा है कि सभा में उपस्थित सभी का मनोरंजन होगा। शकुनी, युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं, है मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलम कितना ही होने दूंगा। अरे साम्राज्ञी, आप अभी तक द्वार पर ही खड़ी हैं। आइए, आपके बिना तो इस खेल में आनंद ही नहीं आएगा। आइए ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी इस खेल का आनंद उठाइए। आओ मेरे भांजो, भीम, नकुल, सहदेव, धनुर्धारी अर्जुन, आओ पधारिए पधारिए। सम्राट, चौसर के नियम तो आपको ज्ञात होंगे ही। क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हाँ, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे, इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये चार चार मेरु हैं। अपने अपने घरों में आपके पास ये जितने अंक फेंकेंगे उतने ही घर आपके ये मेरु आगे बढ़ेंगे और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरु चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरु सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे, वो होगा इस पारी का विजेता। और हां, यदि मध्य में ही एक प्रतिद्वंद्वी का मेरु दूसरे के मार्ग में आता है तो उस मेरु को ध्वस्त माना जाएगा।
आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामा श्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहाँ हैं? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे। ये लीजिए सम्राट, नूतन, नवीन, अभी तक एक बार भी फेंके नहीं गए, विशेष रूप से आज के खेल के लिए निर्मित हैं। अब आप अतिथि हैं और सम्राट भी, इसलिए आज के खेल का पहला पासा आप फेंकेंगे। तनिक ये भी निर्णय कर लिया जाए कि दांव पर क्या लगेगा। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो पहला दांव एक एक सहस्त्र सुवर्ण मुद्राओं के लिए हो। स्वीकार है। धैर्य सम्राट, एक निवेदन करना है। आपका आदेश आज्ञा करना है पितामह, और मेरा पालन करना। आदेश दीजिए। यदि पौत्र आया होता तो मैं अवश्य आदेश देता, परंतु खेलने सम्राट आए हैं इसलिए निवेदन है। आप ज्ञानी हैं, जानकार हैं, जानते ही होंगे कि जहां वट वृक्ष न हो वहां आड़ंद के वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जहां गंगा ना हो वहां अंजलि में जल लेकर उसे गंगा मानकर आचमन किया जाता है। उसी प्रकार हाथ में पासे लेने से द्युत पूर्ण माना जा सकता है। यह प्रतीक यदि धर्म पर लागू हो सकता है तो अधर्म पर भी होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस क्रीड़ा से उठिए और इस समारोह को संपन्न समझिए। पितामह, अभी खेल खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आप उसे रोकने को कह रहे हैं। कभी कभी
रुक जाना भी आवश्यक होता है कुमार दुर्योधन। नीति में हर प्रकार के जुए को अधर्म समझा गया और जुआ भाग्य के अधीन होता है। भाग्य, धर्म, अधर्म, छल पाखंड नहीं देखता। पासा जिस ओर पड़े भाग्य उसी ओर मुड़ जाता है। इसीलिए धर्म केवल पुरुषार्थ में है। उचित उचित कहां महामहिम, परंतु युद्ध के भांति युद्ध भी पुरुषार्थ माना गया है। जो द्यूत को पुरुषार्थ माने मैं उसे पुरुष ही नहीं मानता गंधार राज। द्यूत जुआ है और जुआ एक व्यसन होता है जिसका अंत पतन ही होता है और इस कारणवश मैं इस अधर्म को रोकने आया हूं। नहीं महामहिम, अब आपसे विवाद कर सकने का ज्ञान मुझमें तो नहीं, परंतु इस सभा में स्वयं सम्राट युधिष्ठिर से बड़ा धर्म का मर्मज्ञ कौन है? तो सम्राट से ही पूछ लिया जाए कि धर्म क्या है। कहिए धर्मराज, आज के इस क्रीड़ा के विषय में आपका धर्म क्या कहता है? आह्वान किए जाने पर प्रस्तुत होना और चुनौती पाकर उसका उत्तर देना एक क्षत्रिय का धर्म है पितामह। तो क्या इसका अर्थ मैं ये समझूं युधिष्ठिर कि तुम्हारी दृष्टि में युद्ध धर्म है? मैं केवल इतना जानता हूं पिता, जब तक आपकी दृष्टि यहां पर है तब तक यहां पर कोई अधर्म नहीं होगा। अद्भुत अद्भुत वचन सम्राट, अद्भुत। गंगा पुत्र भीष्म, गुरुद्रोण, महामंत्री, महाज्ञानी विदुर के रहते अधर्म हो ही नहीं सकता। गंधार राज, आचार्य द्रोण, मैं और विदुर, हम तीनों के अतिरिक्त अन्य लोग भी राज्यसभा में हैं। महामहिम, मैं आपका संकेत समझ गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां अधर्म होगा तो उसे रोकने के नियम क्यों नहीं बना लेते आप? हाँ पितामह, मैं चुनौती स्वीकारने के अपने धर्म का पालन करूं। आप वो नियम बताएं जिसे अधर्म को वश में किया जा सके। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोई भी प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को आगे खेलने के लिए विवश नहीं करेगा। यदि एक खिलाड़ी खेल छोड़ना चाहे तो दूसरे को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु पितामह, भूलो दुर्योधन, तुम केवल अपने पितामह के समक्ष नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक और प्रमुख सेनापति के समक्ष हो, समझ गए? स्वीकार है महामहिम। और कोई नियम? कोई भी प्रतिद्वंदी केवल वही वस्तु या संपत्ति दांव पर लगा सकता है जिसका वो स्वयं अधिकारी हो।
पितामह, ऐसे कड़े नियम है, आप खेल खेलने देना चाहते भी हैं या नहीं? मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.